हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हेलो भारत नमस्ते, और मैं हूं देवाशीष दत्ता। रात की 1 बज रहा है और मैं अभी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और मैं महाकुंभ मेला में जा रहा हूं। महाकुंभ मेला 2019 प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर मैं जाऊँगा। अभी संगम घाट पर आज मैं शाही स्नान के लिए निकलूँगा। तो आज जो है मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होता है। आज है 4 फरवरी, तो शाही स्नान के लिए मैं अभी निकला हूँ। हाय दोस्तों, देखिए मेरे पीछे की तरफ देखिए, ये देखिए जो कुंभ मेला जाने के लिए जो सब तीर्थयात्री जा रहा है, ये देखिए तो देखिए लाखों की तादाद में आदमी आ रहा है। देखिए ये देखिए ये महाकुंभ मेला देखिए। दोस्तों मेरे पीछे की तरफ देखिए, ये देखिए देखिए कितना लाखों की तादाद पे आदमी आ रहा है संगम में, ये देखिए। दोस्तों ये जो एरिया है इसको चुंगी बोलते हैं, और यहाँ से शुरू हो जाता है संगम घाट की तरफ नहाने के लिए। अभी देखिए, ये देखिए यहाँ से हम लोग पैदल चलना शुरू करेंगे। यहाँ तक आपको गाड़ी आपको मिल जाएगा, बस या टैक्सी या ऑटो ये सब मिल जाता है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। लोग आ रहे हैं, आज 4 फरवरी है और शाही स्नान है आज, ये देखिए। तो आज लाखों की तादाद पे शाही स्नान करेगा प्रयाग में, ये प्रयाग कुंभ मेला, ये प्रयागराज में ये कुंभ मेला हो रहा है, ये देखिए। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं आगे आगे। चलिए ये घाट की तरफ जा रहा है, संगम घाट। दोस्तों ये देखिए, अगर फ्रेश होना है या तो फ्रेश हो सकते हो। अभी चलना शुरू किया है, यहाँ से संगम घाट 1.5 से 2 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में है। ये देखिए नहा करके आ रहा है सुबह सुबह, लाखों की तरफ भी आदमी देखिए। तो कुंभ मेला का ऑफिशियल वेबसाइट है kumbh.gov.in, इस वेबसाइट में जाकर के भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुंभ हेल्पलाइन नंबर है 1920, पुलिस का नंबर है 100, एम्बुलेंस का नंबर है 108, फायर ब्रिगेड का नंबर है 101, वोमेन एंड चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर है 1091, और मेला पुलिस 1944, फायर ब्रिगेड सर्विस 1945, ये सब जो है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। ये देखिए बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि कितना लाखों की तादाद में आदमी है, ये देखिए मेरे पीछे की तरफ देखिए, ये देखिए। तो ये ब्रिगेड के उस तरफ देखिए, साधु संत लोग नहाने जा रहा है, और अलग 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 अखाड़े और महामंडलेश्वर, इसी रोड से शाही स्नान करने के लिए संगम घाट पर जाएगा। ये देखिए इनके इन लोगों के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, जिससे पब्लिक के साथ कोई डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए आगे से जुलूस आ रहे हैं और घाट की तरफ जा रहे हैं। सिख के ऊपर अखाड़े महामंडलेश्वर ये है, और ये सब अभी नहाने के लिए जा रहे हैं शाही स्नान करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप सोच भी नहीं सकते, ये देखिए
यह है कुंभ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर फेस्टिवल जो दुनिया में किसी जगह में ऐसे नहीं मिलेगा, इतना बड़ा फेस्टिवल है। ये देखिए अभी अभी धीरे धीरे करके संगम घाट की तरफ बढ़ रहा हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है, धीरे धीरे करके जाना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरह से धक्का मुक्की हो रहा है, ऐसा पैदल चलते हुए बहुत आनंद महसूस हो रहा है। कोई कोई गाना गा कर जा रहा है, कोई कोई भजन गा कर जा रहा है, कोई कोई ये नारा देखते हुए चल रहा है, हर हर गंगे हर हर गंगे। दोस्तों सुनिए, कोई खो गया है इसलिए प्रशासन वाले अनाउंस कर रहा है, तो कोई अगर अपने परिजन से खो जाता है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन जगह जगह पे अनाउंस करते रहेगा। ये देखिए अनाउंस कर रहे हैं दोस्तों, आखिरकार संगम घाट पे पहुंच गया हूँ, अभी नहाने के लिए तैयारी हो रहा हूँ। ये देखिए संगम घाट है, ये देखिए अभी घाट है, ये घाट है सामने, ये देखिए। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, देखिए। तो आखिरकार और समय आ गया है, अभी ड्रेस खुल रहा हूँ, शाही स्नान के लिए तैयार हो रहा हूँ। हर गंगे, हर हर गंगे। सूर्य के तारा तरफ लाखों की तादाद पे आदमी नहा रहा है, ऐसा मौका लाइफ में कम ही आता है। महाआनंद दोस्तों, तृप्ति मिला है, अभी अभी नहा करके उठाओ, तीन डुबकी लगाकर उठाओ। बारिश कर रहे थे, फूल भेज रहे हैं, फूल भेज रहे थे। दोस्तों ये देखिए हमें फूलों से स्वागत कर रहा है, फूलों का बारिश, देखिए चारों तरफ फूल गिर गिर रहा है। दोस्तों ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगम स्थल है, द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड द कुंभ। रिसेंटली यूनेस्को ने मार्क किया रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कुंभ मेला जो है लगभग 25 दिन तक चलता है, 15 जनवरी से शुरू हुआ है और 4 मार्च को जाकर खत्म होगा। अगर आप अभी भी आने का सोच रहे हैं तो आ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए नहाने के बाद दान क्रम चल रहा है, कोई चावल दान कर रहा है, कोई गौ दान कर रहा है, कोई जो चीज जैसा सोच कर रखा है वही कर रहा है। क्या गौदान हो रहा है क्या पंडित जी? एक गोदान कर रहे हैं क्या? ₹10 देकर भी गोदान कर सकते हैं, ₹50 देकर भी गोदान कर सकते हैं, आपके मन में जो भी हो वो देकर गोदान कर सकते हैं। हाँ, क्या चीज़ है बताइए? अच्छा, वो लगाने से क्या फायदा? देखिए तिलक लगाने के लिए भी बैठा हुआ है, हल्दी चंदन ये सब ले करके तिलक बना कर लगा देते हैं। देखिए अभी कुंभ मेला से बाहर निकलने के लिए पैदल चलना शुरू कर दिया हूँ, अब रिक्शा में बैठा हूँ और सिविल लाइन होते हुए रेल स्टेशन में जा रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।